है वो भी हमने अटैच किया है, कुछ हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी अपने प्रेस नोट के साथ। तो उसके अलावा असल में 2019 के 5 अगस्त के बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट तो दिए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम ये कहना चाहते हैं कि सेंटर ने जो पार्लियामेंट में दफा 370 को अमेंड करके एक सेल्फ गोल किया है, अपने खिलाफ ही एक बड़ा कदम उठाया है जिससे हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाए। नंबर एक ये है कि 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के रिश्ते को हिंदुस्तान से मजबूत करते थे। एक था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, एक था जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 में बना और 1957 को 1957 की 26 जनवरी को लागू हुआ, और एक थे महाराजा हरि सिंह जी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर दस्तखत। ये 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो हमारे रिश्ते को हिंदुस्तान के साथ मजबूत करते थे। इनके अमेंडमेंट की वजह से जो कंडीशंस थी उनको अमेंड करने के बाद एक डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके नुकसान पहुंचाया, उसको नुकसान पहुंचाया। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें स्टेट असेंबली ने, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके अपने आप को हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाया था, तो वो कलंदम हो गया, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी कलंदम हो गया। अब महाराजा हरि सिंह जी का एक इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन रहता है जो मुस्तरद दस्तावेजात में से है, लेकिन उसमें महाराजा साहब ने 26 अक्टूबर 1947 को जो दस्तखत किए हैं उनके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं 3 सब्जेक्ट्स का इलहाज कर रहा हूँ, वो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, बाकी मामलों में रियासत खुद मुख्तार है। तो अब एक ही डॉक्यूमेंट रहा और उसमें एक तरह से जो कंडीशनल है उन कंडीशन को अगर पूरा किया जाए तो ऐसी हालत में जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार यहाँ बढ़ा था, जो इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार यहाँ बढ़ा था, जो ऑडिटर जनरल का अख्तियार यहाँ बढ़ा था, ये सब चीज़ें गलत हो गई। और अब तो 3 सब्जेक्ट्स का इलाक बचता है और ये एक सेल्फ गोल था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत के बलबूते पर पास करवाए। ऐसी हालत में फिर जो दावे किए गए थे कि इससे मिलिटेंसी कम होगी, इससे यहाँ करप्शन का खात्मा होगा, उससे यहाँ महंगाई कम होगी, उससे यहाँ रोजगार पैदा होगा, उनमें से कोई चीज़ यहाँ नहीं मिली, ना यहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई, ना मिलिटेंसी का फंड आना जाना बंद हो गया, न महंगाई खत्म हुई, न करप्शन खत्म हुई और न कुबा परवरी खत्म हुई जो 2 खानदानों पर इल्ज़ाम लगाया गया था। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो 370 खत्म करने का है या जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से नुकसान तो पहुँचा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, और आज भी अफसरशाही है, आज यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आज यहाँ आवाम जो है दरदरी की ठोकरें खा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट के काम हो नहीं रहे हैं। चंद ऐसे काम हैं जिनको जो पुराने वक्तों में शुरू हुए हैं, जैसे गडकरी जी ने, मरकजी मिनिस्टर साहब ने डोडा में आकर कहा कि हमने इतने टनल और इतनी सड़कें दे दी, वो टनल आज से 6 महीने पहले शुरू हो गए हैं, खरेनी टनल है या असर टनल है किनारे वाला, या भलेस का सड़क का जो है वो काम भी शुरू हो गया है, और इसी तरीके से ठाठी जम्मू ठाठी और ठाठी
डोडा ठाठरी और ठाठरी गंदोह जो दो प्रोजेक्ट बना दिए गए तो वो भी ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें एक तरह से प्रीमिक्स भी बन गई है और डबल लाइन बन गई है। ऐसी हालत में वो सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने की बात की। जो अहम सड़कें थीं उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, एक ही सड़क उनमें से लाई गई और जो बॉर्डर के रास्ते पद्म संस्कार को मिलाने की बात है वो एक नया काम है और हम उसकी अप्रिसिएशन करते हैं। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था, मैंने और चौहान साहब ने उसके लिए काफ़ी सरगर्म कोशिश की थी, राम सिंह चौहान जी ने, और सिर्फ लद्दाख वाले रिगजन जोरा साहब जो सबका मिनिस्टर हैं और करबलाई साहब जो करगिल के काउंसिल के इम्पॉर्टेंट रुकन हैं, तो उनके आने कहने पर के अगर आपने इस पर जोर डाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकती है कि हम पहले इसी को सर्वे करते हैं क्या ये बेनिफिशियल है या वो बेनिफिशियल है, तो हमारा दूजीला वाला प्रोजेक्ट जो है वो ठंडे बस्ते में ना चला जाए, इसलिए हमने उसको थोड़ा मध्यम रखा। लेकिन अगर वो किया है, अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो थी बिसोली भद्रवा सड़क बन चुकी है, भद्रवा डोडा सड़क बन चुकी है, डोडा से देसा सड़क बन चुकी है, कपरन में अगर एक टनल दिया जाए, कपरन एक छोटा सा टनल लगता है, तो वो उस तरफ वादी कश्मीर के साथ सबसे कम फासला है और सबसे जल्दी पहुंचने का रास्ता है, इलाके की डेवलपमेंट भी होती और एक अल्टरनेटिव रोड बनता था मुगल रोड के अलावा, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के अलावा एक वो जो ब्राड़ी पास की रोड है वो कपरन मिलती है श्रीनगर में जा कर के, तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ थी। उनके साथ टच नहीं किया बल्कि ऐसी टनलों की और ऐसी सड़कों की भरमार कर दी कि जो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं 6-6 महीने, अब उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। तो इस तरीके से लोगों को धोखा दे करके इस अगर गुमराह करने की बात है, और न तो 370 हटाने से कोई फ़ायदा हुआ, न डेवलपमेंट के कामों में कोई इजाफा हुआ, न बेकारी के मामले में कोई इजाफा हुआ, बेकारी दूर